नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा, अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम इस वीडियो में समझेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड, जैसे कि इन्वेंशंस, कोई भी लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइन, सिंबल, नेम्स एंड इमेज यूज्ड इन कॉमर्स। तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बिल्कुल सिंपल तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपके माइंड की क्रिएशंस होती हैं, जैसे कि नई इन्वेंशंस, यानी किसी भी वस्तु की खोज, कोई लिटरेरी या फिर कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी नया डिजाइन, कोई भी नया सिंबल, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं। IP इज प्रोटेक्टेड इन लॉ बाय फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, विच एनेबल पीपल टू अर्न रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम व्हाट दे इन्वेंट और क्रिएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट की जाती है कानूनों के द्वारा, जैसे कि पेटेंट्स के द्वारा, कॉपीराइट के द्वारा और ट्रेडमार्क्स के द्वारा हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देते हैं। उससे क्या होता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, पेटेंट्स की, कॉपीराइट की और ट्रेडमार्क्स की जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है कि उन पीपल को रिकॉग्निशन मिले और उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिले, यानी जिन लोगों ने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है या कोई भी नई चीज़ बनाई है तो उससे उसको रिकॉग्निशन मिले, यानी उनको पहचान मिले और बेनिफिट मिले, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले। तो इन सब के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जैसे कि ट्रेडमार्क्स की, पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की आवश्यकता होती है। अगर आपको समझना है कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्संस ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कानून होते हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कोई नई चीज़ क्रिएट की हो, यानी कि जो माइंड की क्रिएशंस होती हैं उन पे जो राइट्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज या फिर हर क्रिएशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे मैं पेटेंट को, कॉपीराइट को और ट्रेडमार्क को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपको इनसे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेटेंट। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। यह इन्वेंशन के लिए दिया जाता है विच इज ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम पेटेंट को बिल्कुल सिंपल तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट और ऑथर्स राइट इज अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। कॉपीराइट को हम बिल्कुल सिंपल तरह से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो कॉपीराइट है वो एक लीगल टर्म है जो किसको डिस्क्राइब करती है, उन राइट्स को, उन कानूनों को डिस्क्राइब करती है जो क्रिएटर को दिए जाते हैं उसके लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर। वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, फिल्म्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डाटाबेसिस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स। फिर है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बींग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स एंड मे इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कम्बिनेशन। ट्रेडमार्क को आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एडिडास कंपनी, तो उसका एक सिंबल है, तो जो एडिडास कंपनी का सिंबल है वो जो एडिडास के प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग दिखाता है, डिस्टिंग्यूज करता है, एक अलग पहचान देता है। तो कोई दूसरी कंपनी उस एडिडास के सिंबल को अपने प्रोडक्ट्स पे यूज़ नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम इस टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम इनको समझने में, इनको याद करने में, इनको लर्न करने में थोड़ी आसानी हो।
थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।